हेलो वियर्स, क्या आप भी पेट में गैस बनने की समस्या से परेशान हैं? क्या आप भी पेट में भारीपन, कब्ज की समस्या से भी परेशान रहते हैं? तो आज आपको इस वीडियो में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के जबरदस्त इलाज बताए जाएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप पेट की हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है, जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, पेट में गैस बनना आजकल आम बात है। कुछ खाने पर या दिनचर्या में गलत आदतों के कारण किसी न किसी को गैस बनने की समस्या होती रहती है। भले ही गैस बनना, एसिडिटी होना कोई बड़ी बीमारी ना हो, लेकिन अगर इसका इलाज समय रहते न किया जाए तो यह अल्सर जैसी बीमारी का भी रूप धारण कर सकती है। आम तौर पर पेट में गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया उन कार्बोहाइड्रेट को उत्तेजित कर देती है जो छोटी आंत में बच नहीं पाते। ऐसा ज्यादातर फाइबर युक्त आहार लेने से होता है। वैसे तो गैस की समस्या से बचने के लिए कई लोग दवाओं का सहारा लेते हैं। इसकी बजाय अगर घरेलू उपायों को अजमाया जाए तो इस गंभीर समस्या से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। अस्वस्थ खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से पेट में गैस बनने की समस्या लगभग हर किसी को है। आए दिन लोगों को पेट में गैस बनने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार गैस बनना या पेट फूलने की समस्या की आम बात है। ज्यादातर लोगों के साथ यह समस्या होती है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से गैस की समस्या से पीड़ित हैं तो यह लैक्टोज असहिष्णुता, हॉर्मोन्स असंतुलन या किसी प्रकार का आंतरिक रुकावट जैसे गंभीर विकास का भी संकेत हो सकता है। पेट में गैस की समस्या से बचने के लिए दवाओं की बजाय प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों का सहारा लेना सक्षम माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पेट में गैस की समस्या से राहत दिलाने के कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगी, जिन्हें फॉलो करके आप पेट में गैस बनने की समस्या से हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। पेट में गैस या अपच कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह पाचन क्रिया का ही एक हिस्सा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पाचन तंत्र में अतिरिक्त गैस जमा हो जाती है। पेट में गैस बनने की समस्या से निपटने के लिए यह समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। पेट में गैस आपके पाचन तंत्र में दो तरह से जमा हो जाती है। आप भोजन करते समय या पानी पीते समय हवा को निगलते हैं, जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके शरीर में प्रवेश करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, जब आप भोजन को पचाते हैं तब नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्तेजित होती हैं और पेट में जमा हो जाती है। यदि यह ज़्यादा मात्रा में है तो बहुत ही असुविधा पैदा कर सकती हैं। पेट में गैस या अपच होना आपके भोजन विकल्प पर भी निर्भर करता है। खास तौर पर पत्ता गोभी, चने और दाल जैसे खाद्य पदार्थ आसानी से नहीं पच पाते। यह बृहदान्त्र से होकर गुजरते हैं, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसों को जारी करते समय भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे आप असहज महसूस कर सकते हैं। कुछ मामलों में गैस गुदा से होकर गुजरती है और उसमें मौजूद बैक्टीरिया इसमें सल्फर मिलाते हैं, जिससे गैस में गंध बढ़ जाती है। व्यस्त व्यक्ति दिन में 10 से 20 बार गैस पास करता है और गैस पाचन क्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन अगर गैस आपके आंतों में जमा हो जाए तो आप इसे निकाल नहीं पाते। इससे आपको दर्द और तकलीफ होने लगती है। गैस आपके लिए दर्द, सूजन, कब्ज, पेट फूलने का कारण बन सकती है। पेट में गैस होने पर कई बार आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आप जल्द से जल्द इससे राहत पाना चाहते हैं तो आप इसके लक्षणों को भी जान लीजिए। भूख ना लगना, बदबूदार सांस या डकार आना, उल्टी या दस्त, पेट फूलना या पेट के दाहिने ओर दर्द होना, बदबूदार गैस पास होना, बेचैनी होना आदि। पेट की गैस की समस्या से बचने के लिए दवा लेना सही है, लेकिन इससे समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। इसके लिए अच्छा है कि आप घरेलू उपायों को अजमाएं। तो आइए जानते हैं पेट की गैस को भगाने के असरदार घरेलू उपाय। सबसे पहले यह जान लीजिए कि अगर आप गैस बनने की समस्या से परेशान हैं तो खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाइए, क्योंकि जल्दी जल्दी भोजन खाने से शरीर में सूजन या गैस की समस्या पैदा हो जाती है। हर बाइट को धीरे धीरे खाइए। तो आइए जानते हैं
पेट में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के जबरदस्त इलाज। अजवाइन। अजवाइन आयुर्वेद में बहुत ही असरदार बताया गया है। पेट में गैस के लिए अजवाइन बहुत अच्छा आयुर्वेदिक उपचार है। अगर आपके पेट में गैस बनती है तो गर्म पानी के साथ एक चम्मच अजवाइन लें, इससे एसिडिटी से तुरंत राहत मिल जाएगी। अजवाइन पाचन में मदद करती है। अगर आपको गैस की समस्या अक्सर रहती है तो आप रोजाना दिन में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। जीरे का पानी। जीरे का पानी गैस की समस्या को जड़ से खत्म करने का सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। दरअसल जीरे में मौजूद आवश्यक तेल लार ग्रंथियों को उत्तेजित करके भोजन के बेहतर पाचन में मदद करता है। इसके साथ ही यह अतिरिक्त गैस बनने से भी रोकता है। एक चम्मच जीरे को 2 कप पानी में 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लें, फिर ठंडा होने दें और खाना खाने के बाद इस पानी को पिएं। ऐसा करने से गैस की समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। हींग। आपके किचन में मौजूद हींग गैस की समस्या से निपटने के लिए रामबाण इलाज है। पेट में गैस बनने पर आधा चम्मच हींग गर्म पानी के साथ मिलाकर पी लें। हींग पेट में अतिरिक्त गैस पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। अदरक। पेट में गैस की समस्या से बचने के लिए एक चम्मच ताजा अदरक को पीस लें और इसे एक चम्मच नींबू के रस के साथ खाना खाने के बाद लें। आपको बता दें कि अदरक पेट फूलने से राहत पाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। पेट में गैस की समस्या से बचने के लिए आप दिन में 1 बार अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। नींबू का रस और बेकिंग पाउडर। पेट में गैस की समस्या को कम करने के लिए नींबू का रस और बेकिंग सोडा एक सरल सा उपाय है। इस समस्या से राहत पाने के लिए 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर को 1 कप पानी में घोल लें और खाना खाने के बाद इसे पिएं। यह कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में मदद करता है, जिससे पाचन क्रिया अच्छी बनती है। छाछ। दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास छाछ में भुना हुआ जीरा, सूखा हुआ अदरक का पाउडर मिलाकर पीने से इस बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। सौंफ। सौंफ के बीजों को पेट में गैस बनने से रोकने और पाचन में सुधार करने के लिए जाना जाता है, इसलिए खाने के बाद 1 से 2 चुटकी सौंफ का सेवन जरूर करना चाहिए। पेट में गैस कभी नहीं बनेगी। सही समय पर खाना ना खाने की वजह से भी पेट में गैस बनी रहती है, इसके लिए सेब का सिरका बेहतर घरेलू उपचार माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं और इसे पी जाएं। बाद में थोड़ा खट्टा जरूर लगेगा, लेकिन गैस से तुरंत आराम दिलाने में यह बहुत अच्छा उपाय है। पुदीना। पेट में अगर गैस बन रही हो तो पुदीने का देसी नुस्खा अपना लीजिए। यह सभी जानते हैं कि पुदीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका सेवन कर लिया जाए तो बहुत ही परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। पेट में गैस के लिए पुदीने का जूस या चटनी बनाकर खाएं, बहुत ही आराम मिलेगा। नींबू। आप सोच भी नहीं सकते कि छोटा सा दिखने वाला नींबू आपकी पेट की समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा गैस बनने की परेशानी है तो 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर उसमें थोड़ा सा काला नमक, जीरा, अजवाइन और 2 चम्मच मिश्री और पुदीने का रस मिलाकर पिएं। इससे पेट में गैस की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दालचीनी। दालचीनी पेट को हल्का करती है और पेट की समस्या से राहत दिलाती है। दालचीनी का इस्तेमाल आप 2 तरह से कर सकते हैं। 1 कप गर्म दूध में 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिएं। इसके अलावा आप दालचीनी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए 1 कप गर्म पानी में 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं और 5 मिनट तक इस पानी को उबालें और उबलने के बाद मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर पीने से गैस की समस्या तुरंत ही बंद हो जाएगी। पेट संबंधी हर समस्या का इलाज। नींबू के रस में सौंफ भिगो दें। जितना नींबू का रस सौंफ पी ले, फिर सौंफ में थोड़ा काला नमक मिलाकर तवे पर सेक लें। ये लेने से पेट का भारीपन, बदहजमी दूर होगी और भूख भी खुलकर लगेगी, कब्ज की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है पेट की हर समस्या का रामबाण इलाज। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं।
ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे एक हेल्थ वीडियो या ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।